जब आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी, जब आपने अपने फर्स्ट क्लास के बाद 12th क्लास जब आपने कंसिस्टेंसी के साथ 12वीं पास करी, तो इसमें आपके 12 साल गए। उसके बाद आपने 3 साल की ग्रेजुएशन करी और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप पहली नौकरी पे गए जिसमें आपको सैलरी मिली 20,000 रुपये। सो दोस्तों, इस छोटी सी बात के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किसी भी काम में वक्त तो लगता है, और वक्त इतना इंपॉर्टेंट लगता है कि आपको कभी कभार ऐसा फील हो जाता है अपनी फील्ड में या अपने उस क्षेत्र में काम करने के लिए, आपको ये लगता है कि यार ये शायद नहीं हो पाएगा मेरे से। और दोस्तों, आपको जब पहली 10,000 या 20,000 की कमाई करने के लिए 15 साल लग गए, तो ये तो अभी बहुत छोटा है। और हर बार हम लोग ये सोचते हैं कि यार बहुत जल्दी से सब कुछ हो जाए, बहुत जल्दी से मेरे को पेमेंट आना स्टार्ट हो जाए, बहुत जल्दी से मेरा बिजनेस ग्रो कर जाए, बहुत जल्दी से मैं अपना एग्जाम क्लियर कर लूँ, बहुत जल्दी से मैं UPSC क्लियर कर दूँ, बहुत जल्दी से मैं SSC क्लियर कर लूँ। बट दोस्तों, वक्त तो लगता है। अगर आप अपनी मनचाही मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वक्त तो लगेगा ही लगेगा। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको एक चीज समझाना चाहूँगा कि आपको अपने लाइफ में किसी भी एम को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको अपने बहुत अच्छे तरीके से अपने उस करियर पे पूरा ध्यान देना है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज नहीं तो 10 साल बाद आप उस चीज़ को पा लेंगे। बट फर्क सिर्फ इतना है कि आपने वो एम कितना बड़ा बनाया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वक्त तो लगता है।